नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको एक्स फाइव प्रो 5G मोबाइल में सिस्टम अपडेट कैसे किया जाएगा। दोस्तों सिस्टम अपडेट का मतलब होता है जब दोस्तों आपके मोबाइल में ए टू जेड कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में सिस्टम अपडेट आ जाता है, और जैसे ही आता है आपको अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपडेट करने से आपके मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और कई नए सारे फीचर्स भी आ जाते हैं। तो सिस्टम अपडेट को करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट फोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पहले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सिस्टम अपडेट में जो भी आया रहेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या क्या है दोस्तों वो देख सकते हो। इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड अपलोड अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों डाउनलोड होते होते ये दोस्तों लाइनिंग पूरी हो जाएगी। लाइनिंग पूरी होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लाइनिंग पूरी होने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद दोस्तों आपको कोई भी बटन कुछ भी प्रेस, यानी कि आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है। दोस्तों स्विच ऑफ होने के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सिस्टम अपडेट कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।